नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन के रूप में। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही दोस्तों, वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की अपडेट लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। अब मनमानी कीमतों पर दवा बेचने वाली कंपनियों की खैर नहीं, होगी सख्त कार्रवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कीमत नियंत्रण के नियमों का पालन नहीं करने और मनमाफिक कीमतों पर दवा बेचने वाली दवा कंपनियों पर सरकार सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA उन कंपनियों पर नजर रखने पर विचार कर रही है जो कीमत नियंत्रण के कायदे कानून का पालन नहीं कर रही और उत्पादन तथा प्राइसिंग से जुड़े आंकड़े जमा करने या कारण बताओ नोटिस का जवाब देने से इनकार कर रही है। एक आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि ऐसी डिफॉल्टर कंपनियों को डिमांड नोटिस भेजा जाएगा और जुर्माने के साथ ओवरचार्ज अमाउंट वसूलने के लिए उनके मामलों को कलेक्टर के पास भेजा जाएगा। जी हां दोस्तों, अब जितनी भी दवा कंपनियां जो कि ज्यादा कीमतों पर दवा बेचती हैं, सरकार उनके ऊपर नकेल कसने वाली है और सरकार उन पर जो है अब सख्त कार्रवाई करने के मूड में दिख रही है। व्हाट्सएप को भारत सरकार से मिली है मंजूरी, जल्द होगा लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की पेमेंट वाली सुविधा को सरकार से मंजूरी मिल गई है। अब इस ऐप को भारत सरकार ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है। अब तक व्हाट्सएप पे फैसिलिटी भारत में चुनिंदा यूजर्स को ही उपलब्ध की जाती थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब व्हाट्सएप भारत में सिस्टमेटिक रूप से सभी यूजर्स के लिए व्हाट्सएप पे सर्विस जारी करेगा और कंपनी इस सर्विस के जरिए यूजर्स UPI का यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि व्हाट्सएप ऐप ने साल 2018 में व्हाट्सएप पे को बीटा टेस्टिंग के रूप में लगभग 10 लाख यूजर्स के लिए जारी किया था। व्हाट्सएप पे सेवा के पूरी तरह से जारी होने के बाद यह भारत की सबसे बड़ी मोबाइल पेमेंट सेवा कंपनियों में से एक बन जाएगी। जी हां दोस्तों, अब व्हाट्सएप से भी आप एक दूसरे को UPI के माध्यम से पैसे भेज सकेंगे। जल्द ये भारत में लॉन्च होने वाली है। कोरोना वायरस की वजह से महंगे हो सकते हैं स्मार्टफोन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन में फैले हुए कोरोना वायरस की वजह से स्मार्टफोन महंगे हो सकते हैं क्योंकि इसमें यूज होने वाले सेमीकंडक्टर पैनल्स के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि चीन में फैले कोरोना वायरस की वजह से चीन में बनने वाले सेमीकंडक्टर में कमी आ सकती है जिसकी वजह से स्मार्टफोन की कीमतों में इजाफा हो सकता है। चीन में सैमसंग सहित साउथ कोरिया की तमाम टेक फर्म काम कर रही हैं। कंपनियों का कहना है कि इस स्थिति में वे भी अपने प्लांट को चलाए रखने की कोशिश कर रही हैं। बता दें कि कोरोना वायरस से अभी तक 490 लोगों की मौत हो चुकी है और 23,000 से भी ज्यादा लोग पूरी दुनिया में जो है इससे प्रभावित हो चुके हैं। इसीलिए चीन में इस वायरस का जो है प्रकोप काफी ज्यादा फैलता जा रहा है। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से ही पूरी दुनिया में मोबाइल की कीमतों में एक बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। SBI बैंक में अकाउंट है तो 28 फरवरी तक निपटा लें ये काम वरना खाता हो जाएगा ब्लॉक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपका बैंक अकाउंट देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI में है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल दोस्तों, SBI ने अपने ग्राहकों को SMS भेजकर अलर्ट किया है कि वो अपना KYC 28 जनवरी 2020 से पहले पहले पूरा करा ले। अगर कोई ग्राहक KYC नहीं करवाता है तो उसके बैंक खाते से लेन देन पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक अकाउंट के लिए KYC को जरूरी कर दिया है। SBI ने अपने ग्राहकों को SMS भेजकर अलर्ट करते हुए कहा है कि KYC की डिटेल आपको पूरी करनी होगी। SMS में कहा गया है कि RBI के दिशा निर्देश के अनुसार आपके खाते में KYC दस्तावेजों को अपडेट किया जाना है। SBI ने कहा है कि कृपया नवीनतम KYC दस्तावेजों के साथ अपनी SBI शाखा में जाकर संपर्क करें। KYC पूरी नहीं किए जाने की स्थिति में आपके खाते में भविष्य में किसी भी प्रकार के लेन देन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी जिससे आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपका SBI बैंक में खाता है तो आप 28 फरवरी 2020 से पहले पहले जाकर अपने खाते की KYC अपडेट जरूर करवा लें। बड़ी खबर है, PM किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को दिए जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड, मिलेगा ये बड़ा फायदा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने वाले सभी किसानों को मोदी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC का लाभ भी देना चाहती है। इससे उन्हें खेती बाड़ी के लिए पैसे आसानी से मिल जाएंगे। इस मामले में साहूकारों पर निर्भरता खत्म होगी। इसके तहत 1.60 यानी 1,60,000 रुपए किसानों को कर्ज दिया जाएगा, वो भी बिना किसी गारंटी के। पहले ये सीमा जो है 1,00,000 रुपए तय की गई थी।
एक तरह से सरकार ने पीएम किसान योजना को केसीसी लिंक कर दिया है ताकि पीएम किसान स्कीम के रिकॉर्ड पर ही किसानों को केसीसी का फायदा मिल सके। दरअसल देखा गया है कि बैंकों की नियत किसानों को कर्ज के रूप में पैसा देने की नहीं होती। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में बैंकर अन्नदाताओं को काफी परेशान कर देते हैं। मोदी सरकार और RBI के आगाह करने के बाद भी सच्चाई ये है कि बैंक अधिकारी गांवों में जाकर न तो केसीसी बनवाने का कैंप लगा रहे हैं और न ही किसानों को बैंक में आने पर उनकी ठीक से मदद कर रहे हैं। इसीलिए अब तक देश के आधे किसानों के पास भी केसीसी की सुविधा नहीं है। बाकी या तो सरकारी क्रेडिट से बाहर हैं या फिर साहूकारों से मोटे ब्याज पर पैसा लेकर खेती करने पर मजबूर हो गए। इसीलिए मोदी सरकार चाहती है कि जितने भी किसान तथा किसान सम्मान निधि योजना में शामिल है उन सभी को किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर दिया जाए, जिससे कि उन्हें 1,60,000 रुपए तक की राशि बिना किसी गारंटी और बिना किसी ब्याज के मिल जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही दोस्तों आपके लिए आज का सवाल, जी हां दोस्तों आपके लिए आज का सवाल है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है। जी हां दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है, फटाफट से आप अपना जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही जवाब देने वाले को हमारी टीम की तरफ से एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। भाजपा RSS के DNA में आरक्षण का विरोध है, वे नहीं चाहते कि SC और ST आगे बढ़े, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा संविधान से आरक्षण को हटाना चाहती है। भाजपा और RSS के DNA में आरक्षण का विरोध है, हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी या मोहन भागवत भले ही कितने भी सपने देख लें, हम किसी भी हाल में आरक्षण समाप्त नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा आरक्षण की विरोधी है, वो चाहते हैं कि SC ST समुदाय कभी आगे न बढ़ पाए। उन्होंने संसद परिषद में संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया है कि ये सरकार यानी कि मोदी आरक्षण के खिलाफ हैं, ये किसी न किसी तरह से आरक्षण को संविधान से निकालना चाहते हैं। इनकी तरफ से ऐसे कई प्रयास होते रहे हैं, ये चाहते हैं कि SC ST समुदाय आगे न बढ़ पाए। जी हाँ दोस्तों राहुल गांधी ने ये मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो आरक्षण को खत्म करना चाहती है। वैसे दोस्तों आरक्षण को लेकर आपकी क्या राय है, आरक्षण खत्म होना चाहिए या फिर नहीं खत्म होना चाहिए या फिर आरक्षण कैसे लागू होना चाहिए, आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सरकार लाएगी इंटर्नशिप स्कीम, हर माह युवाओं को मिलेंगे 2,500 रुपए, योगी आदित्यनाथ। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटर्नशिप स्कीम का ऐलान किया है। इसके तहत हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 1,500 रुपए केंद्र सरकार और 1,000 रुपए प्रदेश सरकार देगी। इंटर्नशिप पूरी होने के बाद युवाओं को प्लेसमेंट की व्यवस्था भी सरकार करेगी। इसके लिए एक HR सेल भी बनाई जाएगी। इंटर्नशिप के तहत 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट करने वाले नौजवानों को विभिन्न तकनीकी संस्थाओं और उद्योगों से जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। और वहीं इंटर्नशिप स्कीम के तहत सभी बेरोजगार युवाओं को 2,500 रुपए दिए जाएंगे। 10 सरकारी बैंकों का विलय जल्द होगा पूरा, नोटिफिकेशन इसी सप्ताह संभव है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से 30 अगस्त 2019 को 10 सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा को जल्द अमलीजामा पहनाया जा सकता है। इस संबंध में सरकार इसी सप्ताह नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है। इस विलय के बाद देश में 4 बड़े बैंक बन जाएंगे और नए बैंक 1 अप्रैल 2020 से अस्तित्व में आ सकते हैं। ET की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 बैंकों के विलय को लेकर ग्राउंड वर्क पूरा हो चुका है और अब केवल विलय की घोषणा बाकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद संबंधित बैंकों के बोर्ड सदस्यों की बैठक होगी, फिर ग्राहकों को अंतिम जानकारी दी जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस विलय में शेयर होल्डर के हितों का भी ख्याल रखा जाएगा। विलय होने वाले बैंकों की वैल्यू चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के नतीजों के आधार पर तय की जाएगी। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB में ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय होगा। इस विलय के बाद बनने वाला बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा और नए बैंक के पास करीब 17 लाख करोड़ रुपए का कारोबार भी। कैनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक का विलय होगा। विलय के बाद ये देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। इसी के साथ ही यूनियन बैंक का आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ विलय होगा। विलय के बाद बनने वाला बैंक 5वां सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। इसी तरह से इंडियन बैंक को इलाहाबाद में विलय कर दिया जाएगा, जिसके बाद यह 7वां सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। जी हां दोस्तों जल्दी सरकार इन सभी बैंकों को मिलाकर देश में 4 बड़े बैंक बनाने की योजना पर काम कर रही है।
अमूल नहीं बढ़ाएगा अपने दूध उत्पादकों के दाम, कंपनी ने दी है ये जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के डेयरी क्षेत्र की बड़ी कंपनी अमूल ने जानकारी दी है कि अमूल के दूध उत्पादकों की कीमतों में किसी भी तरह का कोई भी इजाफा नहीं होगा। गौरतलब है कि हाल ही में देश की कई बड़ी डेयरी कंपनियों की ओर से दूध के दामों में बढ़ाए जाने के बाद ये अफवाह काफी तेजी से फैल रही थी कि अमूल अपने दूध के दामों में 4 से 5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में अमूल ने 2 बार अपने दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। इसकी वजह से डेयरी किसानों की आमदनी में 2018 के मुकाबले 20 से 25% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन हाल ही में अमूल ने यह जानकारी दी है कि वो अपने दूध की कीमतों में किसी भी प्रकार की कोई भी बढ़ोतरी नहीं करने वाला। लगातार 5वें दिन घटे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की है। बीते 5 दिनों में पेट्रोल का दाम दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में क्रमशः 28 पैसे, 91 पैसे, 87 पैसे और 93 पैसे प्रति लीटर कम हो गया है, जबकि डीजल की कीमतें चारों महानगरों में क्रमशः 97 पैसे, 1 रुपए 2 पैसे और 1 रुपए 3 पैसे, 1 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर घट गई है। और वहीं अगर बात करें कि इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या है, तो 72 रुपए और 10 पैसे पेट्रोल पहुंच चुका है। इसी के साथ ही दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 65 रुपए और 7 पैसे प्रति लीटर पर बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और भी कमी देखी जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट, मुख्य जानकारी। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों के अपडेट लगातार मिलते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ वीडियो में।